मुजफ्फरपुर में 60 साल की एक महिला 13 महीने में 6 बार मां बन गई। जी हां, ये बिहार है, यहां योजनाओं की आड़ में कुछ भी हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मां बनने वाली महिलाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का एक घोटाला मुजफ्फरपुर में सामने आया है। ऐसे ही और भी कई महिलाओं के खातों में प्रोत्साहन राशि डालकर पैसे की निकासी कर ली गई, जबकि उन लाभुक महिलाओं को एक बार भी पैसा नहीं मिला। ताज़ा मामला जिले के मुसहरी प्रखंड की 60 वर्षीय महिला शांति देवी का है, जिनके खाते में एक बार नहीं बल्कि 13 महीने के भीतर 6 बार 1400 रुपये की राशि भेजी गई है। पहली बार 3 जुलाई 2019 को स्वास्थ्य विभाग ने 1400 रुपये खाते में भेजे। 3 जुलाई 2019 को ही शांति देवी के खाते में फिर से दोबारा 1400 रुपये भेजे गए, यानी एक ही तारीख में दो बार स्वास्थ्य विभाग ने राशि भेजी। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और हर 3 महीने पर खाते में 1400 रुपये की राशि आती रही। कुल मिलाकर 3 अगस्त 2020 तक 11400 रुपये महिला के खाते में आ चुके हैं। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि शांति देवी को एक बार भी रुपये नहीं मिले, क्योंकि इनके खाते में पैसे क्रेडिट होने के अगले दिन ही सारे रुपए निकाल भी लिए गए, जबकि बुजुर्ग महिला शांति देवी को इसकी खबर तक नहीं है। नहीं। कितना उम्र होगा? हमको 60 बरस। जानकारी है आपके नाम पर पैसा निकला है? नहीं, हम कुछ नहीं जानता। कैसे पता चला? आप जानेगा शंकर, ये हमको मरियम के बुला कर ऐसी फोटो खींचा है, ऐसे से बात करो, हम पैसा नहीं मिला। कौन है शंकर? बेटा लड़का। अच्छा, आपका उम्र कितना है लगभग? 60। अब बाल बच्चा कै गो है? 6 बेटा है, 3 मर गया, 3 बेटा है, 2 शादी हुआ है, 1 कुमार। सबसे छोटका का उम्र कितना है? 20 साल। यानी 20 बरस से कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं। मालिक की क्या स्थिति है? वो तो 10 साल 15 साल से पड़ा हुआ है, बेटा एगो मर गया ट्रेन पर से गिर कर, तहिया से पड़ा है, कुछ भी सारा समाज लोग को। कहीं से कुछ पैसा का लाभ आपको जानकारी नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ? शांति देवी। इस खबर की तहकीकात में जब हम CSP केंद्र पहुंचे तो वहां के संचालक फरार मिले। वहां मौजूद एक महिला कर्मी ने मशीन खराब होने और संचालक के गैर हाजिर होने की बात कही। मुसहरी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उपेंद्र चौधरी ने बताया कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया उन्होंने भी माना कि इस मामले में मिलीभगत से गड़बड़ी की गई है। महिला काफी आक्रोशित हैं, 10 वर्ष से पति बीमार है, हॉस्पिटल की भी स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। क्या लग रहा है आपको? इसकी जाँच शुरू की है, जब से आपको सूचना मिली है उसकी जांच शुरू की है, और जांच करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ऐसा कैसे। सूचना क्या आई है सर? अभी जो सूचना आई है कि ये मुर्ग है और इसके खाते में एक साल में 5 बार 7 बार 8 बार पैसा चला गया और उसको एक पैसा मिला ही नहीं। तो मेरे यहाँ जो सिस्टम है कि कोई भी गर्भवती माँ आती है तो पहले वो स्लिप करता है, OPD स्लिप करता है, फिर वो एडमिट होती है, उसका BST बनता है, फिर डिलीवरी होता है, डॉक्टर्स पर डिलीवरी नोट लिखते हैं, फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं, फिर लेबर रजिस्टर पर चढ़ता है, इसके बाद वो अकाउंटेंट के पास आता है, अकाउंटेंट अपना उस हिसाब से रजिस्टर तैयार करता है और इसके बाद तब उसका पेमेंट बनाता है। सर काफ़ी जटिल व्यवस्था है, जो पैसे मिलने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, क्या लग रहा है सर इसमें? नहीं, वो जटिल नहीं है, पैसा मिलने की प्रक्रिया, पैसा मिलने के लिए जरा इंटरनल ये व्यवस्था है। नहीं नहीं, जैसे सिस्टम का जो व्यवस्था है वो पूरा मतलब सिस्टमैटिक ढंग से है, तो क्या लग रहा है सर कि इस तरह से मतलब बिना किसी के गड़बड़ी किए हुए डिलीबरेटली जानबूझ के बिना गलती किए हुए ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए किसी न किसी स्तर पर जानबूझ के गड़बड़ी हुई है, जिसकी अभी जांच कर रहे हैं, इसके बारे में आगे अभी कुछ नहीं बता सकते। जाँच की जा रही है, स्वास्थ्य कर्मियों की भी मिली भगत की उम्मीद संभावना कुछ भी हो सकता है, बिना जांच किए हम किसी तरह लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है अगर ऐसा हुआ है।